इस वक्त आप देख रहे हैं फैमिली में आपके साथ सिमरन। मध्य प्रदेश के नीमच शहर के बगला बगीचा क्षेत्र के निवासियों को कई सालों से मकान निर्माण की अनुमतियां नहीं मिल रही है, जहां शिवराज सरकार के अधूरे समाधान से ये समस्या और उलझती हुई नजर आ रही है। शासन ने 2017 में मसौदा पारित कर जनता पर कई तरह के टैक्स थोपे हैं, इस वजह से व्यवस्थापन की गति भी प्रभावित हुई है। रहवासियों का कहना है कि शिवराज ने व्यवस्थापन के नाम पर जटिल नियम बनाए हैं। इन नियमों की आड़ में सरकार ने मकान मालिकों को स्वयं के भूखंड व भवनों पर किरायेदार बुलाने की तैयारी की है। ये समस्या का उचित समाधान नहीं है, सरकार को पुनर्विचार कर इस समस्या का गंभीरता से निराकरण करना चाहिए। जहाँ देखिए खास रिपोर्ट। उल्लेखनीय है कि यह समस्या 1980 के दशक में सामने आई थी। तत्कालीन एसडीएम ने समूचे क्षेत्र को विवादित माना था, बगले बगीचे व खेत की भूमि को शासकीय करार दिया था। तभी से नीमच में बंगला बगीचा व खेत की समस्या पनपी हुई है। इस जमीन पर काबिज लोगों को राज्य शासन, जिला प्रशासन व नगर पालिका भूमि का स्वामी नहीं मानती है। इस जटिल समस्या का विधानसभा चुनाव के पूर्व शिवराज सिंह चौहान सरकार ने निराकरण किया था, लेकिन अधूरे समाधान और जटिल नियमों की वजह से समस्या आज भी समस्या ही बनी हुई है। इन क्षेत्रों में निवासरत नागरिक आज भी नरकीय जीवन जी रहे हैं। क्षेत्रवासियों को मकान निर्माण की अनुमतियां नहीं मिल रही है। इन नागरिकों को कई योजनाओं का लाभ व बैंकों से लोन भी नहीं मिल पाता है। नागरिकों का कहना है कि सरकार को स्थापन बोर्ड के जटिल नियमों को सरल कर व लीज रेंट सहित अन्य करों को कम कर जनता को राहत देनी चाहिए। बंगला बगीचा क्षेत्रों में निवासरत प्रत्येक नागरिक समस्या का स्थायी समाधान चाहता है। यहाँ रहने वाले नागरिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका नागरिकों ने ऐसे कई सालों से टैक्स तो वसूलती आ रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर नागरिकों के पास कुछ भी नहीं है। सरकार को व्यवस्थापन के जटिल नियमों में संशोधन कर जनता को राहत देनी चाहिए, जिससे व्यवस्थापन की प्रक्रिया को गति मिले और समस्या धीरे धीरे समाधान की ओर बढ़े। प्रदेश की भाजपा सरकारों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2017 में समस्या का समाधान किया था। कैबिनेट में मसौदा पारित कर व्यवस्थापन बोर्ड का गठन किया था। शुरुआत में नागरिकों को भी लगा था कि जटिल समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन जैसे जैसे सरकार द्वारा बनाए गए नियम जनता को समझ आए, वैसे वैसे ही ये समस्या और उलझती गई। अब नागरिकों ने सरकार से नियमों में राहत देने और थोपे गए लाखों रुपए का टैक्स माफ कर समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। व्यवस्थापन बोर्ड तक पहुंचे आवेदकों का भी अधिकारी तत्परता से निराकरण करें। तो यह था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने हमारे साथ। वॉइस ऑफ एमपी पर शुक्रिया।